Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. चलेंगे आगे, जहां तक मुझे चलना होगा चलेगी, प्रशासन जहां रोकना होगा रुक जाएंगे, प्रशासन जहां रोकेगी वहां रुकेंगे, लेकिन हम लोग उठ के संसद तक जरूर चलेंगे, रेली पटरी का हक लेके रहेंगे, इंकलाब लोक शक्ति पार्टी, जय हिंद। पवन कुमार, जैसे हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे आप लोग बैठे हुए हैं, लोक शक्ति पार्टी आप लोगों की, तो किन चीजों को मांग लेके यहाँ पे? हम लोग भू अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के 80% आबादी, जिसमें जे कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी और यमुना खदर के किसान मजदूर हैं, ये जो है सो काफ़ी लंबे अरसे से इस ज़मीन पर मकान बना के, झुग्गी बना के बसे हुए हैं, और हजारों एकड़ ज़मीन पर खेती भी कर रहे हैं, गुजर बसर भी कर रहे हैं, तो सब लोग निर्भर इस जगह पे हो चुके हैं, रोजगार से लेके तो ज़मीन का मालिकाना हक मिले, इसके लिए हम लोग पिछले एक साल से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं सत्याग्रह। तो आज हम लोग सभी लोग संसद मार्च के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि एक साल इंतज़ार हम लोग किए तो सरकार की कोई भी प्रतिनिधि आके हम लोग को वार्ता नहीं की, आज मजबूरन हम लोग को संसद मार्च करके प्रधानमंत्री जी के पास जाके मिलने के लिए मजबूर किया गया, और आज हम लोग जाके करेंगे इस मुद्दे पर। आपकी भी तो एक पार्टी है, तो आप पे कैसे पब्लिक विश्वास करे कि आप इनके ये काम करा दोगे? हाँ, क्योंकि इस मुद्दों को हमने उठाया है, और जहाँ जहाँ पर भी सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, चाहे दमन किया गया, वहाँ पर हम लोग जाके इन लोगों को बचाया है, और हम लोग इस लड़ाई में सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शोभित सिंह विद्यार्थी है, और मैं आंदोलन का आज 350 दिन हो जाए, ये मतलब 22 दिन का हम 365 दिन हो जाएंगे, मैं इसका संरक्षक हूँ और मैं इस आंदोलन को चलाने में। हम देख रहे सर, ये आप दिल्ली की समस्त जे कॉलोनी और ये खाद यमुना का खादर किसान मजदूरों को लेके यहाँ मंच पे बैठे हुए हो, और आप लोगों ने भी एक पार्टी बना रखी है, मगर दूसरी पार्टी से मांग कर रहे हैं उनके लिए। जी, आपका ये अब से पहले जो हमने कम से कम 300 दिन तो हमने जो अराजनैतिक रूप से भारतीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एनजीओ के माध्यम से चलाया, तो सरकारों ने सोचा कि ये वोटर हैं, ये दिल्ली के 80% जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये जाएंगे कहाँ, वोट तो हम ही को देंगे, लिहाजा फिर हम अपना एक निर्णय लेना पड़ा कि इनको राजनीतिक भाषा में राजनीतिक सकते हैं, क्योंकि जाने का खतरा रहता है। अब कम से कम ये महसूस होगा, उनको एहसास होगा कि भाई एक लोक शक्ति पार्टी, और लोक शक्ति पार्टी कोई बहुत नई पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है, इसका 3 बार हैट्रिक चीफ मिनिस्टर रहे मिस्टर डॉक्टर रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटका के, और उनका प्रधानमंत्रित्व के नाम में आया था, देवेगौड़ा किसी वजह से बन गए, लेकिन और 99 में जब अटल जी की सरकार थी तो एनडीए का ये घटक भी रहा था, और तब इसके 13 सांसद थे और उसमें 7 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो सर, बट जैसे उनके आप बता रहे कि आपके राष्ट्रीय मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, फिर ये मांगे उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों नहीं पूरी कराई? उस टाइम पर हम तो अराजनैतिक थे, चूंकि उनके जो गुजर गए, इनके जो मालिक थे हमारे डॉक्टर रामकृष्ण हेगड़े, और अस्वस्थ जो चल रहे हैं इसके राम नगीना जी, उन्होंने इनको जो कार्यभार सौंप दिया पवन जी को, तो पवन जी के नेतृत्व में अब आने से इसमें दम आ रहा है, और दम खम इतना आ रहा है कि आने वाले अगर 2019 और 2020 में अगर केजरीवाल ने, मतलब उससे पहले ही अगर इन लोगों की समस्याओं का भू अध्यादेश ला करके समस्याओं को हल नहीं किया, तो निश्चित तौर पर इतिहास गवा रहा है, विश्व का इतिहास गवा रहा है, भारत का क्या, किसान मजदूरों का इतिहास गवा रहा है, क्या उनको सत्ता से बेदखल करने का काम ही नहीं, बल्कि उनको हिलाने का काम नहीं, सत्ता से बेदखल करने का भी काम ये किसान मजदूर करेंगे।
like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.